कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, मैं हूं त्रिशला यादव, स्वागत है आपका प्राइम टीवी में। आइए रुक करते इस वक्त की कुछ खास खबरों की ओर। प्रदेश सरकार के वित्त और सरकार कार्य विभाग के कैबिनेट मंत्री सुरेश खन्ना के 2 दिवसीय दौरे पर रायबरेली पहुंचेंगे कैबिनेट मंत्री। दौरे को लेकर जिला अस्पताल में रंग रोगन व साफ सफा का काम शुरू हो गया है। इस दौरान अस्पताल के मुख्य गेट को भगवा रंग से रंगवाया गया। वहीं जिला प्रशासन 2 दिवसीय दौरे को लेकर पूरी तैयारियों में जुटा हुआ है। प्रथला में 3 मई को राष्ट्रव्यापी धार्मिक आयोजन होना है, जिसमें हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पहुंचने की उम्मीद जताई जा रही है। इसको लेकर फरीदाबाद के डीसी जितेंद्र यादव और पुलिस कमिश्नर विकास कुमार अरोड़ा ने आयोजन स्थल का दौरा कर हर चीज का जायजा लिया। इस मौके पर बल्लभगढ़ के SDM और अन्य अधिकारी मौजूद रहे। कल पनेड़ा खुद में यहाँ पे एक बड़ा विशाल भंडारा है, तो VIP कई आने की उम्मीद है, तो उसी सुरक्षा की दृष्टि से जो है यहाँ पे विजिट किया है। तो उसमें जो स्टेज है, जो पब्लिक की सीटिंग है और जो पब्लिक पार्किंग है, VIP पार्किंग है, उस सब के बारे में देखा जा रहा है। कौन कौन लोग पहुँचे हैं? सब पहुँचे हैं पनेड़ा गांव में। क्या कुछ शेड्यूल रहने वाला, कौन कौन नेता यहाँ पर पहुँचे हैं? देखो, कल यहाँ पे बाबा खड़ेसरी ने 12 साल का लगातार तप किया खड़े होके, तो उसी के उपलक्ष्य में भंडारा संत समाज वाला भंडारा कर रहे हैं। तो CM साहब आएंगे, हमारे लगभग सभी विधायक और MP साहब के आने की भी उम्मीद है, तो उसी का निरीक्षण करने के लिए साथ जिला पुलिस आयुक्त के साथ यही विजिट करने आए हैं। तो SDM साहब है, ADC साहब है, बाकी हमारी टीम है। और भी CM कोई आ रहे हैं किसी और? नहीं, UP के CM साहब का सुनने में आया था, पर नहीं वो बता दें आप। लखनऊ में ईद के त्यौहार पर सुरक्षा को लेकर ADG लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने बयान दिया। ADG लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने पुलिस अधिकारियों को कहा कि साजिश के तहत कोई भी घटना ना हो, इसलिए सतर्कता बरती जा रही है। किसी भी धर्मग्रंथ से बेअदबी का सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसी के साथ सोशल मीडिया पर भी सख्त निगरानी रखी जा रही है। आप भी सुनिए ADG लॉ एंड ऑर्डर का बयान। 3/5/2022 को 3 महत्वपूर्ण त्यौहार मनाए जाने हैं, जिनमें चंद दर्शन के अनुसार से ईद मनाए जाने का ऐलान हो चुका है और इसके अतिरिक्त अक्षय तृतीया तथा परशुराम जयंती का भी आयोजन होना है। इन तीनों त्योहारों को लेके पुलिस के द्वारा व्यापक व्यवस्थाएं की गई हैं। सभी धर्मगुरुओं से बातचीत हो गई है तथा ये सबको स्पष्ट किया जा चुका है पुलिस और प्रशासन के द्वारा, तथा धर्मगुरुओं के द्वारा भी ये अपील की जा चुकी है कि सभी कोई भी त्यौहार परंपरागत तरीके से ही मनाया जाना है तथा किसी भी सार्वजनिक स्थल पे को बाधित नहीं करना है। अपने ईद को लेकर बलरामपुर में जिला प्रशासन अलर्ट हो गया है। वहीं जनपद के सभी थानों के अंदर आने वाले नमाज स्थल, ईदगाह और मस्जिद में सुरक्षा व्यवस्था तैनात कर दी गई है। वहीं संवेदनशील जगहों पर पुलिस बल की व्यवस्था की गई है। साथ ही साथ जिन जगहों से लाउडस्पीकर उतारे गए हैं, वहाँ के धर्म गुरुओं से चर्चा करके पुलिस ने शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील भी की। अपर पुलिस अधीक्षक नवदर श्रीवास्तव का कहना है कि जिले में पर्याप्त पुलिस फोर्स है, इसके बावजूद भी बाहर से PSC की कंपनी मंगाई जो शांति व्यवस्था में मदद करेगी। आगामी आने वाले ईद के त्यौहार के लिए हम लोगों ने पूरी तैयारियां कर ली हैं और इसमें समस्त 13 थाना क्षेत्र के जो भी हमारे प्रमुख प्रमुख मस्जिद हैं और ईदगाह हैं जहां पे नमाज अदा की जाएगी, वहां पे हमारी पूरी सुरक्षा व्यवस्था रहेगी। स्थानीय स्तर से जो थाने की पुलिस बल है, उसके अतिरिक्त हमने जनपद स्तर से भी उतरौला और नगर जहाँ भीड़भाड़ अधिक होती है वहाँ
गाजियाबाद के खोड़ा कॉलोनी क्षेत्र में ईद के त्यौहार को लेकर पुलिस की तरफ से सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए गए हैं। कल ईद का त्यौहार भी मनाया जाएगा, जिसको लेकर प्रशासन अलर्ट मोड पर भी नजर आ रही है। वहीं सीओ इंदिरापुरम अभय मिश्रा ने बताया कि त्यौहारों में खलल डालने वाले लोगों को चिन्हित कर लिया गया है। अगर किसी तरह का भी कोई माहौल खराब होता है, खासतौर पर उन चिन्हित किए हुए व्यक्तियों के ऊपर पुलिस प्रशासन की पैनी नजर होगी। पिछले कई दिनों से हमारी तैयारी चल रही है, जिसमें सभी धर्मगुरुओं से संवाद स्थापित किया गया है, पीस कमेटी की मीटिंग की गई है, अराजक तत्वों को चिन्हित कर उनके विरुद्ध प्रभावी निरोधात्मक कार्रवाई की गई है। साथ ही में लगातार हम लोग द्वारा पैदल गश्त किया जाता है, उसी क्रम में आज जो है पूरी फोड़ा पुलिस के साथ इनके मुख्य बाजारों में सड़कों पर पैदल गश्त की जा रही है, ताकि जनता में एक सुरक्षा का वातावरण दिया जा सके और जनता में सुरक्षा का एहसास और सुरक्षा की भावना पैदा। लखनऊ में पूर्व सांसद उदित राज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एक बड़ा बयान दिया। उनका कहना है कि देश में 38 करोड़ असंगठित कामगार हैं। इन कामगारों के लिए किसी भी गैर सरकार ने कोई काम नहीं किया है, और इस दौरान उन्होंने मनरेगा के मजदूरों की सराहना की। क्या हाल, परिवार के लोग भी ठीक ठाक से रखते थे, लालच होती थी जब तक आदमी काम से नहीं होता था तब तक पेंशन। हमको हमारी सरकार राजस्थान में है और हमारी सरकार छत्तीसगढ़ में, उन्होंने पुरानी पेंशन। फरीदाबाद में लोगों के हक का राशन हड़पने वालों के खिलाफ सीएम फ्लाइंग लगातार कार्रवाई कर रही है। सीएम फ्लाइंग ने एसडीएम नगर इलाके में राशन डिपो होल्डर के पास ज्यादा माल का स्टॉक करने पर कार्रवाई की है। इस मामले में सीएम फ्लाइंग के साथ संयुक्त कार्रवाई करने वाले खाद्य आपूर्ति विभाग के इंस्पेक्टर पहुंचे, जिन्होंने बताया कि रिकॉर्ड खंगाला जा रहा है। राशन डिपो होल्डर के पास बिना बिल के ओवर स्टॉक मिला है। इस मामले में जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ उचित कानूनी कार्रवाई की जाएगी। यहाँ पे कुछ राशन गड़बड़ी है, तो हम मौके पर उनके साथ आए थे। मौके पे 161 क्विंटल गेहूँ डिपो पे मिला था, और जारी कोड के अनुसार इसके पास 21.23 क्विंटल गेहूँ होना चाहिए, तो वो करीबन 140 क्विंटल गेहूँ उसके पास ज़्यादा मिला है, जिसके लिए डिपो धारक कोई स्पष्ट जवाब नहीं दे पाया। लेकिन उसने ये बताया है कि उसके पास 125 क्विंटल गेहूँ जो अगले महीने आना था वो उसको प्राप्त हो चुका, लेकिन उसका बिल प्राप्त नहीं हुआ है। जी जी, तो थाना प्रबंधक एसडीएम नगर को हमने आगामी जाँच के। सुधार्थनगर जिले के ढिबरुआ थाना और सर्विलेंस टीम और पुलिस ने अवैध शराब का कारोबार करने वाले 5 अंतरजनपदीय अभियुक्तों को गिरफ्तार किया, और पुलिस ने उनके कब्जे से भारी मात्रा में ब्रांडेड कंपनियों के ढक्कन और QR कोड सहित सामग्री भी बरामद की है। पुलिस कप्तान ने बताया कि पकड़े गए अभियुक्तों पर कानूनी कार्रवाई कर उन्हें जेल भेज दिया गया। जी, इनका 2011 से आपराधिक इतिहास है। इसमें जो मुनीम है वो उसका पहला प्रकरण है, लेकिन जो और लोग हैं जो गोरखपुर के हैं और इटवा थाना क्षेत्र के हमारे रहने वाले हैं, इनका 2011 से लंबा आपराधिक इतिहास रहा है। और जो एक अभियुक्त पकड़ा गया है उसका भाई संतोष जायसवाल जो है वो गोरखपुर से शराब माफिया भी चिन्हित है, उसके ऊपर दर्जनों मुकदमे वहाँ के दर्ज हैं। हम लोग इसमें गैंगस्टर की कार्रवाई करेंगे, गैंग पंजीकृत करेंगे, और अगर सही। गाजीपुर में तैनात एक जेई की लापरवाही की वजह से आधे शहर की बिजली गुल हो गई और 3 KV की केबल चल गई, जिसकी वजह से आधे शहर की बिजली इस उमस भरी गर्मी में गायब हो गई। बता दें, इस व्यवस्था को दुरुस्त करने की जिम्मेदारी जेई राघवेंद्र को दी गई थी, जिसके बाद जेई के खिलाफ विभागीय कार्रवाई के साथ साथ FIR दर्ज कराने का आदेश दिया गया। जनपदीय बैठक में समस्त विभागों के सभी अधिकारियों को निर्देश दे रखे हैं कि कोई भी अधिकारी जो जनपद स्तरीय अधिकारी है वो बिना मेरी अनुमति के मुख्यालय नहीं छोड़ेगा, और जो जनपद स्तरीय अधिकारियों की अधीनस्थता में और उनके नियंत्रण में काम कर रहे हैं वो अपनी जनपद अधिकारी के बिना बताए मुख्यालय नहीं छोड़ेगा। ये जानकारी मुझे आज मिली है कि एक अवर अभियंता जो विद्युत विभाग के हैं, विद्युत उत्तराखंड के हैं, वो बिना बताए अनुमति बिना लिए बाहर चले गए। मैंने अधीक्षण अभियंता और संबंधित अधीक्षण से कहा हुआ है कि इनकी जाँच करिए, और यदि ये शिकायत सही है तो न केवल इनके विरुद्ध अनुशासन पर कार्रवाई करिए। गाजीपुर अभी पूर्वांचल हेडक्वार्टर से MD साहब द्वारा एक कई टीमों का निर्धारण किया गया है, अलग अलग जिलों में जाकर के और विद्युत से संबंधित कार्यों की समीक्षा करेंगे, देखेंगे यदि कुछ इम्प्रूवमेंट लगता है तो उसको सजेस्ट करेंगे, ताकि इम्प्रूवमेंट जो है किया जा सके।
विशेष रूप से उसमें जो है विद्युत विभाग का जो विद्युत की उपलब्धता के बारे में है उसको कवर किया गया है और राजस्व से संबंधित कार्यों को उसमें कवर। अब तक की खास खबरों में इतना ही। देश दुनिया की और ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।